आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है, हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है, मेरे गरीब परिवार के लोग हैं, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है।